इनको भी उनको लगातार मना रहे हैं, केंद्र भी लगातार पूरा सहयोग। बिल्कुल रवि हमारे साथ आप बने रहिए, कुछ और अहम खबरें आपसे अपडेट्स लेंगे। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने भी दिल्ली और यूपी की राह चलते हुए शराब पर COVID-19 टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट बैठक में इस बात पर मोहर भी लग गई। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इसे हेल्थ केयर टैक्स का नाम दिया है और कैबिनेट फैसले के अनुसार अब देशी शराब की MRP पर प्रति बोतल ₹20 का इजाफा कर दिया गया, जबकि इंपोर्टेड शराब की बोतल पर ₹475 की बढ़ोतरी की गई है, तो विदेशी शराब पर ₹20 से लेकर ₹200 प्रति बोतल का इजाफा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत अब 72.56 यानी कि ₹72.56 हो गई है, ₹2 दाम बढ़े हैं, और डीजल की कीमत में ₹1 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। अब सूबे में डीजल की कीमत ₹64.19 हो गए। हमने जो निर्णय लिया है कि जो कुछ वृद्धि हमने किया, उस वृद्धि के अंतर्गत जो एक आकलन हुआ है ₹250 करोड़ का राजस्व अतिरिक्त प्राप्त होगा। इसमें हमने जो भारत में निर्मित विदेशी मदिरा है उसके मूल्यों पर ₹20 से ₹200 तक प्रति बोतल की वृद्धि की गई है। ऐसी मदिरा जो ओवरसीज मदिरा जिनको जानी जाती है, जो विदेशी मदिरा है, उन पे ₹475 प्रति बोतल की वृद्धि की गई है। देसी मदिरा की बोतलों पर ₹20 की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल पर हमने पेट्रोल पर ₹2 और डीजल पर ₹1 की वृद्धि हमने की है मात्र। ये वही जो हमारे यहाँ वेट लगता है उसमें बस सीधा बढ़ाया हमने ₹2 और ₹1। इससे लगभग ये भी आज जैसे जियो जारी होगा उसके बाद लागू हो जाएगा, इससे ₹120 करोड़ के लगभग हमें मिलने की संभावना है। और रवि कैतुरा लगातार देहरादून से हमारे साथ बने हैं। रवि, जो लड़ाई इस वक्त चल रही है कोरोना के खिलाफ, पहले ही जो राज्य सरकार के मंत्री हैं वो केंद्र से एक बड़ी रकम मांग चुके थे कि हमें रकम चाहिए, अब अपने स्तर पर राजस्व जुटाने के लिए क्या कुछ कोशिशें सरकार कर रही है पेट्रोल डीजल और शराब के अलावा? जी देखिए, पेट्रोल और डीजल के जो है दाम बढ़ाए गए। मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पर ही खड़ा हूँ, लेकिन अभी कुछ जो दाम है वो पुराने चल रहे हैं क्योंकि कुछ जगह पर अपडेट हो गया है, कहीं पर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन दाम बढ़ गए हैं। इसके साथ ही जो है शराब पर भी जो है दाम बढ़ाए गए हैं। जो देश में निर्मित जो मदिरा है उस पर 20 से 200 रुपये तक, और जो बाहर से विदेशी जो मदिरा है उस पर जो है करीब 500 रुपये तक का जो हेल्थ केयर टैक्स है उसको लगाया गया है। इसके साथ ही सरकार ने जो मुख्य बात रही इनके अलावा वो ये है कि जो लोग तमाम अलग अनेक राज्यों में फंसे हुए हैं उत्तराखंड के, उन लोगों को वापस लाने की क्या योजना है। सरकार को सोशल मीडिया पर इस बात की किरकिरी भी झेलनी पड़ी कि पहले जो है सभी को वापस लाने की बात की गई थी, उसके बाद जो है प्रायोरिटी में जो राहत कैंप हैं और जो फंसे हुए लोग हैं सिर्फ उनको ही लाया जा रहा है। तो ये अब बात साफ हो गई है कि सरकार ने ये कह दिया है कि सभी लोगों को वापस लाया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही लोगों से ये भी अपील की गई है कि वह धैर्य बनाए रखें। ABP गंगा ने ही सबसे प्रमुखता से खबर को दिखाया था कि हरियाणा गुड़गांव से किस तरीके से उत्तराखंड के जो लोग हैं प्रवासी हैं वो उत्तराखंड की तरफ पैदल चल पड़े थे। हम लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि जो है धैर्य बनाने की आवश्यकता है क्योंकि ये सफ़र बेहद कठिन हो सकता है और नामुमकिन हम इसे कह सकते हैं कि इतना लंबा सफ़र कैसे आप अपने परिवार के साथ तय करेंगे। तो सरकार भी लगातार यही अपील कर रही है कि लोग इस तरीके से अपना धैर्य ना खोएं, लोगों के लिए जो है बसें भेजी जाएंगी। गुड़गांव पे ही जो है 71 बसें भेजी गई हैं, वहाँ से लोगों को लाया जा रहा है। अभी तक मोहाली, चंडीगढ़, राजस्थान, प्रयागराज, इन सभी जगहों से लोगों को लाया जा चुका है। कई लोग ऐसे हैं जिनको लाना है। तो सरकार का ये कहना है कि लगातार इस तरीके का सिलसिला जारी रहेगा, लोग अपना धैर्य बनाए रखें। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त प्रदेश की आर्थिकी को कैसे मजबूत किया जा सके, तो इसके लिए सरकार ने जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का जो साधन है सरकार के पास वो शराब है, और इसी वजह से जो शराब है उस पर जो है टैक्स बढ़ाया गया है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल पर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन पेट्रोल ₹2 और डीजल ₹1, ताकि आम जनता की जेब पर जो है ज़्यादा बोझ ना पड़े, इसको देखते हुए बढ़ाया गया है। धीरे धीरे सभी पेट्रोल पंप पर अब ये जो नई रेट लिस्ट है और जो नया रेट है वो भी अपडेट होने लगा है। जी अपडेट बिल्कुल। रवि, जिस तरीके से राजस्व को जुटाने की कोशिशें लगातार सरकार कर रही है और पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई, इसके बाद शराब में जो चीज़ें बढ़ाई गई, जनता का क्या रुख है इसको लेकर? क्या जनता इसको सकारात्मक तौर से ले रही है?
जी देखिए बिल्कुल, शराब में जिस तरीके से कहा कि रेवेन्यू के लिए एक बहुत बड़ा जो है साधन होता है सरकार के पास, और इस वजह से उनको शराब के ठेके खोलने पड़े। बड़ी दिक्कतें भी हुई, जैसे ही जो है मदिरा की दुकानें खुली उसके बाद बहुत लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हो गए। पुलिस को बाकायदा जो है व्यवस्था बनानी पड़ी, सोशल डिस्टेंस बनाना पड़ा। लेकिन ये बहुत, जहाँ तक लोगों की बात है कि लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, तो शराब को लेकर तो सभी की एक अच्छी प्रतिक्रिया है कि शराब जहाँ जो है हर एक चीज़ से जो है नुकसानदायक है, अगर उसमें रेट बढ़ जाते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ पेट्रोल और डीजल पर ये सोचा जा रहा था कि ज़्यादा रेट अगर बढ़ते हैं तो एक आम आदमी को बड़ी दिक्कत होगी, उसके जेब पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा, लेकिन उसमें जो दरें बढ़ाई गई हैं 1 रुपये डीजल पर और 2 रुपये पेट्रोल पर, तो इससे जो है लोग खुश हैं। लोग इस बार जो है सभी सहयोग कर रहे हैं कि जो कोरोना की जो कड़ी के बीच, जो कोरोना महामारी के बीच जो आर्थिकी कमज़ोर हुई है, उस कमज़ोर आर्थिकी को कैसे सुदृढ़ किया जा सके, तो हेल्थ केयर टैक्स जो है इसे माना जा रहा है। और अभी जो सरकार से हमने ये कहा है कि ये कब तक जो मदिरा पर जो टैक्स लगाया गया है ये कब तक रहेगा, तो फिलहाल 1 वर्ष तक जो है उन्होंने कहा है कि 1 वर्ष तक ये टैक्स बना रहेगा, उसके बाद सरकार ही इस पर किसी कैबिनेट में निर्णय लेगी कि इसको वापस लेना है या फिर किस तरीके से आगे करना है। बिल्कुल, शुक्रिया रवि जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, उधम सिंह नगर की बात करते हैं, जहां पर पूर्व मंत्री तिलक राज समेत 5 नामजद हुए हैं। इनके खिलाफ पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। पूर्व मंत्री के करीब 25 समर्थकों पर भी केस दर्ज हुआ है। पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ पर यह मुकदमा रुद्रपुर कोतवाली में लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर दर्ज किया गया, जिसमें उनके अलावा 4 नामजद हैं, तो करीब 25 समर्थकों का भी इसमें नाम है। बताया जा रहा है कि 4 मई को रुद्रपुर के मलसा गाँव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। तब पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ अपने समर्थकों संग रुद्रपुर के मलसा गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने चौक सभा भी की। आरोप यह भी है कि जब पूर्व मंत्री पहुंचे तो पुलिस की तरफ से रोका गया, जिसके बाद उन्होंने सभा की, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। यह मुकदमा बिल्कुल झूठा है, निराधार है। इस मुकदमे के पीछे सीधी सीधी राजनीतिक द्वेष भावना है, क्योंकि रात को गोली चली मेरे गांव में। उस गांव का रहने वाला हूँ, पैतृक गांव है मेरा, मैं वहीं पैदा हुआ, मेरी खेती ज़मीन वहीं पर है। और जब मैंने सुना कि मेरे रिश्तेदार को गोली लग गई, तो मैं गांव में गया कि हिंसा ना हो जाए। मैंने सबको रोका, समझाया, सबको घरों में भेज दिया, और कोतवाल रुद्रपुर की उपस्थिति में उसके बाद मैं हॉस्पिटल आया, मुझे मालूम पड़ा कि गोली नहीं लगी है। तो मैंने लोगों को समझाया बुझाया, लोगों को शांत किया। पुलिस को तो मौके पर खोखे भी मिले हैं, और पुलिस खुद स्वीकार कर रही है कि हाँ वास्तव में गोलियां चली हैं, मकान में लगी हैं, गोलियों के निशान हैं। तो अब मुझे, क्योंकि मैं मामले की पैरवी कर रहा हूं, मैं इसको उठा रहा हूं मामले को, इसलिए मुझे दबाने के लिए, डराने के लिए मुकदमा लिखा। और उधम सिंह नगर के किच्छा तहसील में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर तहसील परिसर में प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने के आरोप में कांग्रेस नगर अध्यक्ष अरुण तनेजा और कांग्रेसी नेता बंटी पपनेजा सहित 60 से 70 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बुधवार दोपहर कांग्रेस नगर अध्यक्ष अरुण तनेजा ने सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर राशन वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए धरना दिया था। अरे एक हाथ की दूरी होती है बेवकूफा। वही देहरादून में थोड़ी राहत मिली है, यहाँ पर सिर्फ 5 इलाके ही कंटेनमेंट जोन में रह गए हैं। 6 इलाकों में समयावधि पूरी होने के बाद उन्हें कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। गुरुवार को भगत सिंह कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया। तो भगत सिंह कॉलोनी कंटेनमेंट जोन से बाहर आ गया है। देहरादून में लगातार हालात संभालने की कोशिश हो रही है और हालात सुधर भी रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा मामले देहरादून से ही सामने आए, इसलिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। उत्तराखंड के जो लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं, उन्हें घर लाने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर पहुँचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा के लिए पैदल ही निकल पड़े। ऐसे में पुलिस ने सभी से अपील की है कि लोग धैर्य बनाए रखें। अन्य राज्यों में फंसे लोगों का लाने का कार्य लगातार चल रहा है। जो लोग दक्षिण भारत में फंसे हैं, उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था भी की जा रही है। 8,000 आ चुके हैं। आज गुड़गांव से ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया है। चंपावत की बसें चल चुकी हैं, वहाँ से अल्मोड़ा की बसें वहाँ से चल चुकी हैं। तो 2,500 आदमी गुड़गांव से आएगा। तो मेरा ये कहना है कि लोग पेशेंस रखें। सब जगह से टाई अप चल रहा है। मैंने पहले दिन से बोला था कि जो दूर के स्टेट्स हैं वहाँ बसों से नहीं ला सकते, गर्मी का मौसम है। तो वहाँ हम प्रयास हो रहे हैं राज्य सरकार द्वारा,
प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है, जो साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ ट्रेन की प्रयास किए जा रहे हैं, और बाकी हम जो है टाई अप में लगे हुए हैं। ये स्टेट टू स्टेट टाई अप होना है। अब हमारा पंजाब से चल रहा है अगले फेज में, गुड़गांव से कल बड़ा मुश्किल से फाइनल हो पाया, तो आज मूवमेंट हो गया। तो लोग पेशेंस रखें, लोग इम्पेशेंट ना हो, और सोशल मीडिया सबके हाथ में एक हथियार जरूर है, माध्यम जरूर अपनी भावनाओं का एक्सप्रेस करने का, किंतु संयमित होकर के अपनी बातें कहें, और ऐसा नहीं है कि हर किसी को आप गाली देने लगोगे। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा डेंजर जोन आम जनता के लिए मुसीबत बन गया है। बांसवाड़ा में लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण कल से वाहनों की आवाजाही ठप है। पहाड़ी दरकने का सिलसिला लगातार यहां पर जारी है। हाईवे बंद होने से केदार घाटी की जनता बाजारों तक नहीं पहुंच पा रही। दरअसल इन दिनों केदार घाटी में आए दिन बारिश हो रही है, जिस कारण बांसवाड़ा में केदारनाथ हाईवे की पहाड़ियाँ दरक रही हैं। पहाड़ी टूटने से कल सुबह हाईवे बांसवाड़ा में बंद हो गया था। लगातार पहाड़ी टूटने से हाईवे को खोलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। बांसवाड़ा में एक बड़े हिस्से में भूस्खलन जारी है। बड़कोट में NH 123 दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मजदूर की मलबे में दबकर मौत हो गई। मजदूर एक ट्रैक्टर से उतरा ही था कि पहाड़ी से मलबा, पत्थर और पेड़ सड़क पर भरभरा कर गिर पड़े, जिससे मजदूर मलबे में दब गया और उसकी मौत हो गई। मजदूर नेपाल मूल का रहने वाला था, जो बड़कोट में मजदूरी करता था। और उत्तरकाशी से भी बड़ी खबर है। 24 घंटे बाद भी गंगोत्री नेशनल हाईवे नहीं खुल पाया है। दर्जनों गांव की जो आवाजाही है वो बंद है। हालांकि कल से BRO रास्ता खोलने में जुटा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। चट्टान के गिरने की वजह से ये रास्ता बंद हो गया था। रुद्रप्रयाग के सुमाड़ी भरदार में क्वारंटाइन का पालन न करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पहले तो व्यक्ति क्वारंटाइन जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो व्यक्ति क्वारंटाइन के लिए तैयार हो गया। इस दौरान पुलिस ने युवक पर डंडे भी बरसाए। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।